नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 70, 80 और 90 के दशक में विभिन्न अभिनेत्रियों ने फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ अभिनेत्रियां तो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गईं, तो कुछ अभिनेत्रियों ने हिंदी फिल्मों में सफलता न मिलने की वजह से फिल्मों में काम छोड़ना ही उचित समझा। लेकिन वहीं इन दोनों के विपरीत कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी रहीं जिन्हें ना तो हिंदी सिनेमा ने दरकिनार किया और ना ही वो सफलता दी जो कि एक सफल अभिनेत्री के लिए जरूरी होती है। लेकिन हाँ, इन्हें इनकी मेहनत, प्रतिभा और अपनी खूबसूरती की वजह से काम मिलता रहा और अपने काम की बदौलत ही कई सिने प्रेमियों के दिलों की धड़कन भी बनी। कभी तो इनकी फिल्में फ्लॉप हुई तो कभी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कुछ इसी तरह से ये हिंदी सिनेमा में बरसों तक सक्रिय रही। चलिए आज बात करेंगे हिंदी फिल्मों की 70 और 80 के दशक की चर्चित खूबसूरत अभिनेत्री शोमा आनंद की। मुझे पीने का शौक नहीं। शोमा आनंद का जन्म 16 फरवरी 1958 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। ये बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज रही थी। इन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे जाकर कभी फिल्मों में भी काम करेंगे, लेकिन इनकी माताजी का ये सपना था कि मेरी बेटी शोमा फिल्मों में ही काम करे। और धीरे धीरे वक्त के साथ इनकी माताजी का सपना सच हुआ और शोमा आनंद बन गई हिंदी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री। दरअसल बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म रही बारूद, जो कि 1976 को रिलीज हुई, जिसमें इनके हीरो रहे ऋषि कपूर साहब। यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कैसे हिंदी फिल्मों में बिना किसी गॉडफादर के इन्हें फिल्म बारूद में बतौर मुख्य अभिनेत्री के तौर पर साइन किया गया। दरअसल इनके पिताजी के एक थे जानकी दास, जो कि समय मिलने पर इनके घर पर पहुंच जाया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है जब जानकी दास जी ने शोमा आनंद को देखकर कहा, तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? आपको बता दें, शोमा आनंद को फिल्मों में काम करने का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में काफी अव्वल थी, लेकिन इनकी माताजी तो यही चाहती थी कि मेरी बेटी शोमा फिल्मों में ही काम करे। इसलिए अपनी माँ के कहने पर शोमा ने जानकी दास जी से कहा, देखो अंकल, अगर फिल्मों में कोई ठीक ठाक रोल मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी, वरना क्या फायदा है यहाँ आने का। फिर क्या था, जानकी दास जी ने शोमा आनंद की यह बात सुनते ही अगले कुछ दिनों में ही इनके घर पर फिल्म का ऑफर ही लेकर पहुंच गए और जानकी दास जी ने शोमा आनंद से कहा, डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, उनकी ये तमन्ना है कि उनकी फिल्म में कोई नई हीरोइन हो, मैंने तुम्हारे बारे में उनसे बात कर ली है। जानकी दास जी की ये बात सुनते ही शोमा आनंद हैरान रह गईं और कहने लगी, आखिर वो मुझे अपनी फिल्म में काम क्यों देंगे, वो तो जितने चाहे उतने कलाकारों को लेकर फिल्म बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दे, प्रमोद चक्रवर्ती इससे पहले 1964 की जिद्दी, 1966 की लव इन टोक्यो, 1971 की नया जमाना और 1973 की जुगनू जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन जब जानकी दास जी ने शोमा आनंद से जोर देकर कहा कि तुम प्रमोद चक्रवर्ती से मिलो तो सही, शायद ये रोल तुम्हें ही मिल जाए, फिर क्या था, अगले ही दिन शोमा आनंद पहुंच गई प्रमोद चक्रवर्ती जी के ऑफिस और कह डाली अपनी सारी बात। प्रमोद चक्रवर्ती जी ने शोमा आनंद का स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद इन्हें फिल्म बारूद के लिए साइन कर लिया और शोमा आनंद को बताया कि इस फिल्म में तुम्हें ऋषि कपूर के साथ काम करना है। प्रमोद चक्रवर्ती की यह बात सुनते ही शोमा आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस फिल्म के बनने से महज कुछ ही दिनों पहले यानी कि 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी, जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये फिल्म शोमा आनंद ने भी कई बार देखी थी। अब जो फिल्म आपने मात्र सिनेमा घर में ही देखी हो, उसी फिल्म के हीरो के साथ आपको काम करने का मौका मिले, इससे तो आप शोमा जी की खुशी का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। खैर, ये फिल्म बनकर रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। यहाँ पर आपको बता दें, शोमा आनंद जी को ड्रीम गर्ल अभिनेत्री हेमा मालिनी की एक्टिंग कॉपी करने की ढेर सारी बातें भी सुननी पड़ी, लेकिन इसके जवाब में शोमा आनंद जी ने साफ साफ एक इंटरव्यू में कह दिया, इंसान के एक हाथ में 5 उंगली होती है और सबकी लंबाई और साइज एक जैसा नहीं होता, यानी कि इंसान की अपनी कोई चीज एक जैसी नहीं है, तो भला मैं एक्टिंग हेमा जैसी कैसे कर सकती हूँ। खैर, बारूद फिल्म के बाद शोमा आनंद जी ने बड़े बड़े एक्ट्रेस के साथ कई फिल्में दी, जिनमें आजाद, पतिता, हिम्मत वाला, कुली, घर एक मंदिर, प्यार का मंदिर जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही शोमा आनंद ने बदलते वक्त के साथ साथ कई टेलीविजन सीरियल और 2000 के बाद की फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्में हैं शादी करके फंस गए यार, हंगामा, कल होना हो, लाइफ पार्टनर और 2014 की फिल्म फैमिली वाला, जिसके बाद इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। आपको बता दें, शोमा आनंद हमेशा ही अपने आप को एक बात को लेकर कोसती रही हैं कि मैंने अपने आप को हिंदी सिनेमा में एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर स्थापित
नहीं कर पाया और जल्द ही कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। लेकिन शोमा आनंद जी ने हिंदी सिनेमा में अपनी प्रतिभा, एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से जो जलवे बिखेरे हैं वो हम सभी सिने प्रेमियों के लिए हमेशा ही दिलों के करीब रहेंगे। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 1987 में अभिनेता तारिक शाह से लव मैरिज की थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको शोमा आनंद जी के जीवन की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको शोमा आनंद की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, अंत में आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन। धन्यवाद।